हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं पीछे मेरे खेत हैं और बाग भी हैं। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और क्या कहते हैं कि रात भर बारिश हुई है और अभी भी बादल छाए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्या कहते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है, धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन हम गीले नहीं हो सकते क्योंकि हम पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं और पेड़ों के नीचे खड़े होने की वजह से बारिश नहीं आ रही है। लेकिन पीछे आप देख सकते हैं खेत बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और मौसम बिल्कुल साफ़ है। खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम में देखने के लिए, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। मैंने अपनी गायों को भी घर के अंदर खड़ा कर दिया है क्योंकि बारिश हो रही है और क्या हो सकता है कि मतलब बारिश में अगर ये भीग जाएंगे, उनको सर्दी लग जाएगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमने अपनी छोटी वाली राधा को भी और गाय को भी, बड़ी वाली को भी अंदर कर दिया है घर के, ताकि इनके ऊपर डायरेक्टली बारिश की बूंदें ना पड़ें। तो अभी चलते चलते हम लोग आ गए हैं खेतों की तरफ और आप देख सकते हैं कितना कोहरा है इधर और ग्रीनरी की तो क्या ही बोलूं मैं। इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम पे इन सब चीज़ों को देख के, इतनी खुली खुली जगह, चारों तरफ खेत ही खेत, इधर सरसों के खेत, मतलब अलग ही मज़ा है इन सब चीज़ों को देखने का लाइफ। और कहीं और ऐसी चीज़ें, मतलब स्पेशली अगर मैं लाइक सिटी साइड जाऊँ तो ये सब देखने को नहीं मिलता है और अलग ही लाइक सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर रहने का, यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने का। अगर आप लोगों को कुछ देखना है तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है मटर के खेत। तो जब मटर के पेड़ छोटे छोटे होते हैं तो वो ऐसे लगते हैं। और अगर आप मेरी राइट साइड देखेंगे तो ये है गेहूं का खेत। तो गेहूं का खेत जो होता है वो बिल्कुल ऐसे घास की तरह होता है और धीरे धीरे ये बड़ा होता है और पेड़ बन जाता है, मतलब थोड़ा सा पौधा बन जाता है जिसमें धान गेहूँ लगता है। फिर हम वहाँ से उसको निकाल के पीस के आटा बनाते हैं। और ये देखिए, ये हल्दी लगी हुई है पेड़ों में, ये ऐसे होते हैं हल्दी के पौधे और इनकी जड़ों में हल्दी लगती है। और ये हम खेतों से होते हुए नहर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमको अभी कुछ मतलब पिल्ले मिले थे, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक पिल्ला है और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके 4 या 5 भाई बहन हैं, लेकिन मुझको पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं डर रहे हैं, मुझसे बहुत डर रहे हैं। और मैंने काफ़ी कोशिश करी इनके पास जाने की, इनको अपने पास बुलाने की और थोड़े से बिस्किट्स वगैरह लाने की, लेकिन सबके सब आप देख रहे हैं जैसे कैसे मतलब डर के मारे भाग रहे हैं। आओ 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 आप देख रहे हैं तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं फॉर सम रीजंस और ये भाग रहे हैं। तो अभी मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं भी यहाँ से निकलूँगा। तो ये अब पाइप देख रहे हैं, ये पाइप वो सामने जो इंजन है वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ से इस पाइप में पानी होते हुए, जैसे आप देख सकते हैं, वो दूसरे खेत में जा रहा है। तो इस तरीके से गाँव में भी सिंचाई होती है। तो अभी हो गई है रात और हम लोग आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट घूमते घूमते रोड पे आ गए, मेन रोड पे। शाम काफ़ी हो रही है धीरे धीरे। और अगर मैं आपको खेत की तरफ दिखाऊं, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना मतलब अजीब सी धुंध छाई हुई है। इस तरफ की अगर आप खेत देखें जो कि नहर के पार हैं, सब में गेहूँ वगैरह लगे हुए हैं और दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। नहर में कल उस दिन आपने देखा था पानी आ गया, लेकिन अभी बिल्कुल सूख गई है नहर, बिल्कुल लोगों ने सारा पानी यूज़ कर लिया है अपने खेतों को चीज़ सींचने के लिए। और इस टाइम पे बिल्कुल दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अब हम यहाँ से चलेंगे घर की तरफ। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और घर पे आने के बाद हम लोग, आप देख सकते हैं हमने आग अभी भी नहीं जलाई है, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग आग जलाएंगे जब गाँव के सारे लोग आ जाएंगे। और फिर हम अभी जाके हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खाएँगे ताकि हम लोग बाद में सबके साथ बैठ के मज़े कर सकें। और घर पूरा खाली हो चुका है इस टाइम पे, बच्चे गए हैं इधर उधर खेलते हुए, इधर उधर निकल गए, सिर्फ अर्पिता यहाँ पे मेरे साथ और बाकी पूरा का पूरा सब कुछ खाली पड़ा है। अभी हम लोग वेट करेंगे सबके आने का और उसके बाद हम लोग आग जलाएंगे। तो अभी धीरे धीरे लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है और आज हमारे भैया भी आ गए हैं लुधियाना से। तो अभी हम लोग मज़े करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और हमारा प्लान है कि कल हम यहाँ पर आग जलाएँगे और कंडे यूज़ करके हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में लिट्टी चोखा। सो नॉट श्योर बट फॉर सम रीजन्स आई एम फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि वो खेत में आज 4 पिल्ले देखे थे और क्या कहते हैं कि बार बार वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि रात में वो खेत में कैसे रहेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है
और मुझे उस टाइम पे उनकी माँ भी नहीं दिखी थी, तो मेरे दिमाग में तो नहीं आया था कि मुझे उसको ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन शायद वो गई हो कहीं इधर उधर और आ जाए अभी तक। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि मतलब उनके पास क्या कहते हैं कि उन पिल्लों के पास कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। मैं कल सुबह वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि रात में जाना थोड़ा सेफ़ नहीं है, अगर उसकी माँ भी वापस आ गई है तो शायद मुझको काट सकती है। तो मैं सुबह जाऊँगा एक बार उनको देखने, और अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके जाऊँगा, उनको कुछ ना कुछ खिलाऊँगा मैं वहाँ पे कल जाके। अभी हो गई है काफ़ी रात और हम लोग आ गए हैं घर के अंदर, खाना वाना खा लिया है, दूध वगैरह सब पी लिया है, तो अभी टाइम हो चुका है सोने का। कल अभी भी मेरे दिमाग में वही चार पिल्ले घूम रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू दैट, कल सुबह मैं जाऊँगा और देखूँगा कि वो बच्चे ठीक ठाक हैं या नहीं हैं। तो मिलते हैं फिर कल सुबह, जो भी अपडेट रहेगी आई विल कीप शेयरिंग विद यू ऑल। तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।